हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च फुल मंथ करंट अफेयर का पार्ट टू। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हमने मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। बाकी जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोजाम्बिक के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के लिए कौन सा पोत गया। देखिए, मोजाम्बिक में एक चक्रवात आया था जिसमें राहत सामग्री के साथ INS मगर को भेजा गया था भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक, इसके पहले तीन और पोत थे जिनको भेजा गया था मोजाम्बिक। कौन कौन? पहला तो था हमारा INS सुजाता। पहला कौन सा है हमारा? INS सुजाता। दूसरा था हमारा INS शार्दुल। एंड थर्ड है हमारा INS सारथी। ठीक, फिलहाल मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज है, इसमें जैसे हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, डेली का डेली इसमें पढ़ते जाते हैं, एंड उसके बाद जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका एक मंथली सीरीज़ पढ़ते हैं। यहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चंस पढ़ा है मार्च में, उसका रिविज़न भी आपका ईजिली हो जाता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, BCCI का नया तदर्थ एथिक अफसर किसे नियुक्त किया गया है। अब ये एथिक्स अफसर क्या होता है, आपने सुना होगा लोकपाल के बारे में। अब BCCI किससे संबंधित है? क्रिकेट। वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है किसकी? लोकपाल की। लेकिन वहाँ पे उनका नाम दूसरा क्या होता है? एथिक्स ऑफिसर उनका नाम होता है। यहाँ चुना गया है DK जैन को एथिक्स ऑफिसर के रूप में BCCI के लिए। हालांकि इनका जो कार्यकाल होगा वो एक साल का होगा। अब बात आती है कि BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं CK खन्ना। इसकी स्थापना हुई है 1928 में। ठीक, अगला है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग भारत के किस राज्य में है। तासीगंग, देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे मतदान हो उसे हम लोग कहते हैं पोलिंग स्टेशन। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में एक है लाहौल स्पीति जिला, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 15,256 मीटर ऊपर है समुद्र तल से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2018 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया। इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब बात आती है कि अगर इस सूचकांक को जारी किया गया तो उसमें भारत की स्थिति क्या है। इसमें बताया गया है कि भारत की स्थिति 10 वर्षों में जो निर्धनता दर है वो 55% आ चुकी है। अब जो 55% थी वो घटकर कितना हो चुकी है? 28%। पिछले 10 सालों में निर्धनता दर जो कि 55% थी, वहाँ से घट के कितना हो चुका है? 28% पे आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में टोटेन ग्लेशियर के नीचे झीलों के समूह की खोज किया है? तो ऐसा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। बात आती है कि इसकी खोज किस प्रकार इसकी खोज की गई, तो भूकंपी तरंगों के माध्यम से इसकी खोज की गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर यह ग्लेशियर पिघला तो इसके पिघलने पर जो समुद्र का जलस्तर है वो कितना बढ़ जाएगा? वह 7 मीटर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ेगा? 7 मीटर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यह क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा। तो इसमें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस FS खलीफुल्ला। क्या नाम है इनका? FS खलीफुल्ला। जिनमें इनको कहा गया है कि आप 4 सप्ताह के मध्य ही अयोध्या का जो मामला है उसको सुलझाइए। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये टीका होता क्या है। आप सुनते होंगे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको एक टीका लगता है। ठीक है, एक क्या 5-6 लगभग 2.5 साल तक उनको 5-6 टीके लगते हैं। देखिए, टीका क्या होता है, जैसे कोई भी बीमारी अगर वो बहुत ही बड़े लेवल पे फैल रही है तो उसको रोकने के लिए वैक्सीन या टीके का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मलेरिया का टीका विकसित किया गया है। कहाँ पे? अफ्रीका के मलावी में। क्यों अफ्रीका में ही विकसित किया गया? क्योंकि अफ्रीका में अगर हम लोग देखें तो मच्छरों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे जो मलेरिया, इसकी वजह से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से सबसे पहले टीके को वहाँ पे विकसित किया गया।
ठीक। तो जब भी किसी बीमारी का टीका किसी को लग जाता है तो वो बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, या होती ही नहीं है, मैक्सिमम देखा जाता है कि वो बीमारी होती ही नहीं है। तो यह मनाया जाता है 10 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 से इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है बर्लिन में, ठीक है, 6 से लेकर के 10 मार्च। जिसको अगर हम लोग बात करें कि इसको किसने जीता इस टूरिज्म अवार्ड को, तो इसको जीता है भारत के पर्यटन मंत्रालय ने। बर्लिन कहाँ पे पड़ता है, तो जर्मनी में पड़ता है बर्लिन। अगला क्वेश्चन हमारा अटल आहार योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया, यह देखिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा अटल आहार योजना। मैं आपको बता दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो चुकी है 16 अगस्त 2018 को, तब से इनके नाम पर अलग अलग स्टेट अलग अलग योजनाएं योजना चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्थानों का नाम भी परिवर्तित किया गया है। अब इसमें किया क्या जाएगा, इसके पहले चरण में 20,000 श्रमिकों को भोजन 5 रुपये प्रति श्रमिक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 5 रुपये में कोई भी श्रमिक भोजन कर सकता है। इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च कब किया गया है, तो 7 मार्च 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार एक और वजह से चर्चा में थी, इन्होंने पहला इलेक्शन जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो किसी ट्रांसजेंडर को बनाया है जिनका नाम है गौरी सावंत। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में जवाबदेही कानून को लेकर किस राज्य ने अध्यादेश जारी किया है, इसको जारी किया है राजस्थान की सरकार ने। जवाबदेही कानून को किसने जारी किया है, राजस्थान की सरकार ने जारी किया है। इसमें होगा क्या, इसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनको बताना होगा कि कोई भी फाइल क्यों रुकी हुई है, या पेंशन क्यों नहीं जारी हुई, या कोई भी अगर सरकारी सेवा है तो उसमें विलम्ब क्यों हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी योजना है अगर इसको लागू कर दिया गया है किसी भी जगह पर, क्योंकि ये चीज़ें देखिए प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, आम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनकी फाइल्स रुक जाती है, पेंशन नहीं रिलीज होती है, और कोई भी सेवा विलंब से क्यों होती है, ठीक। अगला हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश के दौरे पर गए, तो यह 5 से लेकर के 7 मार्च के मध्य पराग्वे के दौरे पर गए, ठीक है, और वहाँ पराग्वे में गांधी जी की 150वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कर्नाटक के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। देखिए जीआई टैग आज के ट्रेंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम लोग बात करें तो 2019 में कुल 14 उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, और मैंने जीआई टैग के ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाया है, तो आप जीआई टैग एग्ज़ाम ट्रेंड सर्च करके पढ़ सकते हैं कि किन किन उत्पादों को वर्तमान में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है हमारा जूनागढ़ गुजरात में। गिरनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, जूनागढ़ गुजरात। गुजरात से हमारे 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कि यहाँ पे गुजरात के बड़ोदरा में एक रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एंड सेकेंड कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। फिर हमारा कि संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन कौन करेगा, ठीक है, संयुक्त आतंकवाद निरोधी का आयोजन किया जाएगा SCO के द्वारा। SCO के फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन। इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, इसमें असम और मिजोरम शीर्ष पे है जलवायु भेद्यता सूचकांक में। नेक्स्ट है हमारा कि चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे आयोजित की गई, तो यह आयोजित की गई है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी कौन बनी है, तो संजना सिंह बनी है मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी। मध्य प्रदेश से हमारे 2 क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग बात करें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की, तो इसमें जो भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल को। इसके अलावा जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का वो बना है इंदौर, ये भी कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ पर संपन्न हुई या संपन्न हुई है? कुटीबा में। कुटीबा पड़ता कहाँ है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में कुटीबा ना दे करके पर्टिकुलर कंट्री का नाम दे दे। तो यह हुआ है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के कुटीबा शहर में संपन्न हुआ है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। नेक्स्ट है हमारा कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग मिला है या कहाँ पर उगाया जाता है? या उगाया जाता है कर्नाटक में, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। ये तो हो गया हमारा कि पांच प्रकार के कुल कॉफ़ी को दिया गया है GI टैग। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो चाय की, कॉफ़ी एंड चाय इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग कॉफ़ी एंड टी पीते हैं, तो टी से आप लोग याद कर लीजिए टी। एक हमारा हुआ है एशियन टी अलायंस जिसमें कुल पांच देश सम्मिलित है, इसमें चाय के जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीटिक्स कौन बने हैं? या बने हैं इरफान केटी, ठीक है, इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 20 मिनट और 57 सेकंड में कंप्लीट किया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक विशेष ओलंपिक हुआ था जिसका आयोजन हुआ था UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था इसका आयोजन। इसमें भारत ने कुल 85 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है हमारा भगोरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? या किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भगोरिया महोत्सव का आयोजन, जो कि 14 मार्च को शुरू हुआ और देखा जाता है कि यह होली के एक हफ्ते पहले हमेशा शुरू हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को पहला स्थान मिला है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें बल्लेबाज की तो बल्लेबाज में विराट कोहली को पहला स्थान मिला है। ICC के CEO कौन है? मनु शाहनी, और चेयरमैन है शशांक मनोहर, ठीक। अगला हमारा कि RBI ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया है? तो IDBI को RBI ने प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया है। और इसके अलावा IDBI ने क्या किया है कि जो NRIs हैं उनकी जो बैंकिंग की वर्क है उनको पेपरलेस करने वाला पहला बैंक बन चुका है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे गोवा का CM बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर प्रमोद सावंत को। बात आती है कि इसके पहले गोवा के CM कौन थे? तो आपको पता है मनोहर पर्रिकर थे इसके पहले गोवा के CM, जिनकी मृत्यु हो गई है, एंड इसके बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत को बनाया गया है गोवा का CM। फिर हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं? तो गिनी के प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर इब्राहिम कसूरी फोफना, ये 18 मार्च को भारत के दौरे पर आए हैं। और गिनी की अगर हम लोग बात करें तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है। गिनी कौन सी कंट्री है? ऑफ अफ्रीकन कंट्री। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओलिव रिडले जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है समुद्री कछुआ। ये क्या है? एक समुद्री कछुआ जो कि हर साल उड़ीसा के तट पर अंडे देने आता है, बट इस साल काफ़ी देर हो गया जिस वजह से यह चर्चा में था। इसमें रीज़न क्या था कि ये कछुए जब अंडे देने आते थे उड़ीसा के तट पे तो वहाँ पे फिशिंग होती थी, फिशिंग की वजह से काफ़ी नुकसान होता था कछुओं का। इस वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिशिंग पे रोक भी लगा दिया है कि इस समय तक जब वो आएंगे अंडे देने तो उस समय कोई भी वहाँ पे मछली नहीं पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। याद रखिएगा क्या थीम है? फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री घोषित किया गया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जल्दी से बताइए कहाँ पे है? चेन्नई में है हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री घोषित किया है। इसने जो चालू हमारा वित्त वर्ष है फाइनेंशियल ईयर, इसमें 3000 रेलवे कोच बनाया। इसके अलावा जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका भी कोच किसने बनाया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, ठीक। अगला हमारा कि सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? या जीता है भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019। पहली बार ऐसा हुआ है, लगातार 5वीं बार भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इसे जीता है,
ठीक है, सबसे पहली बार कब जीता था, 2010 में जीता था। सैफ का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, सैफ का फुल फॉर्म होता है हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे जीता है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार 5वीं बार। फिर हमारा कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, क्षय रोग किसे कहते हैं, तो टीबी को कहते हैं क्षय रोग, या मनाया गया है 24 मार्च को विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में। टीबी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में यह दिवस मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम है इट्स टाइम, मतलब यही समय है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो 76 है भारत की रैंक। ठीक है, या किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें कुल 115 देशों को सम्मिलित किया गया है। बात आती है कि नंबर वन पे कौन है, तो नंबर वन पे है स्वीडन, एंड भारत की रैंकिंग क्या है, 76 है भारत की रैंकिंग। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में, और इस बार इसका सब्जेक्ट क्या है, सूर्य पृथ्वी तथा मौसम। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसका सब्जेक्ट है सूर्य पृथ्वी तथा मौसम। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस नए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो चिनूक को शामिल किया गया है। बात आती है चिनूक को किससे खरीदा गया है, तो अमेरिका से खरीदा गया। इसमें कुल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदा गया है अमेरिका से, और यह डील कब से चल रही थी, सितंबर 2015 से यह डील चल रही थी। ठीक, जो कि अब जाके 2019 में कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा, तो 2 से लेकर के 16 अप्रैल के बीच इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा। ठीक है, कब से कब तक होगा, 2 से 16 अप्रैल के बीच विशाखापत्तनम में। ठीक, विशाखापत्तनम से हमारा एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा दक्षिण तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पे बन रहा है, विशाखापत्तनम में। और अब रेलवे जोन की संख्या कितनी हो गई है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, तो आलिया भट्ट को मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। कौन सी मूवी में काम किया था इन्होंने, राजी मूवी में किया था। और अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था संजू मूवी के लिए रणवीर कपूर को। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस खिलाड़ी ने गौतम गंभीर को पछाड़कर सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया, तो यह बने हैं डेविड वार्नर। इन्होंने कुल 37 अर्धशतक लगाए हैं, और ऐसा करके इन्होंने गौतम गंभीर को पीछे कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रतिवर्ष कितने रुपए का न्यूनतम आय गारंटी दिए जाने का वादा किया है, तो 72,000 रुपये की न्यूनतम आय की गारंटी दिया है इन्होंने, कि जो जिनकी भी न्यूनतम आय सीमा 12,000 रुपये होगी, इनको पर मंथ दिया जाएगा। 25 करोड़ जो लोग होंगे उनको दिया जाएगा 72,000 रुपये प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में पिछले साल की तुलना में कितने % की वृद्धि किया है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, तो कुल 4.8% की वृद्धि किया है। और इसमें जो मेन रीज़न बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कोयले की खपत में वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने देशों की यात्रा पर गए, तो 3 देशों की यात्रा पर गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन कौन सा है, पहला है हमारा क्रोएशिया, और वहाँ पर क्रोएशिया के इनके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वह दिया गया है, क्या नाम है उसका, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तामिस्लाव, या पहले राष्ट्रपति थे जो क्रोएशिया के दौरे पर गए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत किस देश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है, तो भारत बांग्लादेश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जिसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल है। अगला हमारा कि हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है, तो इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। इन्होंने 3 मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को मार दिया, और अब भारत जो हमारा स्पेस वॉर है इसमें शामिल हो चुका है, स्पेस वॉर में भी अब भारत सक्षम है। इसके पहले रूस, अमेरिका, चीन ही इस स्पेस मिशन में सक्षम थे। ठीक,
अगला हमारा कि आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किया है, तो नंदन नीलेकणी का, ठीक है, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, या एक 5 सदस्यीय टीम है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कितने लोगों को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है, तो ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, जिसे कहा जाता है कि यह तकनीक का नोबेल पुरस्कार है। कौन कौन है? योशुआ बेंजियो, जेफरी हिंटन और यान ली चुन, इन तीनों को दिया गया है ट्यूरिंग अवार्ड। फिर हमारा कि ग्लोबल टीचर प्राइड से किसे सम्मानित किया गया है, तो पीटर तबीची को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केन्या में, यह एक साइंस टीचर हैं तथा यह ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत किसने किया है, तो यूएई ने किया है सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत। अगला हमारा कि इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा देने वाला पहला शहर कौन सा बना है, तो ओस्लो बना है। ओस्लो किसकी कैपिटल है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार रखने वाला देश भी कौन सा है, तो नॉर्वे है सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार रखने वाला देश। फिर हमारा कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नवीन चावला, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो सुरेश रैना बने हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन बनाया है। फिर हमारा कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस के रूप में। अगला हमारा कि किस संस्था ने साल 2018 को चौथा सबसे गर्म साल बताया है, तो यह बताया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। और इसमें हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक, फिर है हमारा कि हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ग्रेटा थनबर्न को। अगर उन्हें यह अवार्ड मिल जाता है तो यह सबसे कम उम्र की शख्सियत बन जाएंगी जिन्हें नोबेल शांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इसके पहले 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई ने जीता था। तो आज के लिए बस इतना ही, यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं आप हमें बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें अच्छे से पढ़ाना चाहिए, या कहीं भी कोई मॉडिफिकेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके वीडियो पर अगर ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।